नमस्कार मित्रों मित्रों आज आप गाला असाइनमेंट 2021 धोरण 10 हिंदी प्रश्नपत्र बे विभाग बीनु सॉल्यूशन करवाना छे। तो मित्रों तमने ख्याल छे मुजब के आपणे गणित विज्ञान हिंदी और गुजराती ना गाला असाइनमेंटना प्रश्नपत्रना सॉल्यूशन करेला छे। आ प्रश्नपत्रना सॉल्यूशन तमने मारी यूट्यूब चैनलना प्लेलिस्ट में जाशो एटले आ तमने दरेक सॉल्यूशन मळी जशे। तो आज आप जोईए धोरण 10 हिंदी प्रश्नपत्र बे विभाग बीनु सॉल्यूशन। तो अहीं मित्रों अपनी पास पेलू ज आवे छे निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। एमां 15मुं छे प्रभुजी स्वामी है तो रैदास क्या है, रैदास क्या है? तो मित्रों एनो जवाब आवशे बी दासा। त्यार पछी सिद्धिया कितनी है? तो मित्रों जवाब आवशे डी 8। त्यार पछी 17मुं छे शांतिनिकेतन क्या है, शांतिनिकेतन क्या है? तो मित्रों जवाब आवशे सी शांतियुक्त, शांतियुक्त या शांतिदायक गृह। तो मित्रों आ 17मो प्रश्न छे ए फरीथी आपणे 25मा प्रश्नना जवाबमां पण आववानो छे एटले याद राखजो शांति शांतियुक्त या शांतिदायक गृह शांतिनिकेतन क्या है एनो जवाब, कारण के आग पाछो आज जवाब आवानो छे। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो अहीं सही विकल्प चूनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खरहा खाली जगह झूरमूट में रहता था, खरहा खाली जगह झूरमूट में रहता था तो में आवशे घने। त्यार पछी नाम जपने का साधन खाली जगह है तो मित्रों आवशे मा माला। 20मो पश्चिमीना, पश्चिमीना ध्वज फर रहा है, पश्चिमीना ध्वज फर रहा है। देवदारू की खाली जगह में, खाली जगह की बाहों में, तो अँ सॉरी जवाब आवशे छाहों में। फरीथी बोलू छू 20मू पश्चिमीना ध्वज फर रहा है, देवदारू की खाली जगह में तो आवशे छाहों में। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए तो अँ निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चूनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो 21मू छे ढोल और साजन के बिना, तो मित्रों जवाब आवशे क शादी नहीं हो सकती है। त्यार पछी 22मू सोने के साथ सुहागे का, तो एमा मित्रों जवाब आवशे स्थायी संबंध होता है, स्थायी संबंध होता है। लकुटी लेकर रसखान, तो एमा जवाब आवशे क कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गायो चराना। त्यार पछी आगळ वधीए अहीं तो अहीं आपणी पासे आवे छे निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। एमां 24मू छे मीरा की सास मीरा को क्या कहती थी, तो मित्रों एनो जवाब आवशे मीरा की सास मीरा को कुलनाशिनी कहती थी, कुलनाशिनी कहती थी। आ फरी आव्यो शांतिनिकेतन क्या है, आगळ तो आपणे एज मुजब, तो शांतिनिकेतन शांतियुक्त या शांतिदायक गृह है। शांतिनिकेतन शांतियुक्त या शांतिदायक गृह है। त्यार पछी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। खरहा कहाँ और कैसे रहता था, खरहा कहाँ और कैसे रहता था? तो मित्रों जवाब जोईए वन के भीतर एक घनी झूरमूट थी, झूरमूट थी। खरहा उसी झूरमूट में रहता था, वह इस बात की सावधानी रखता था कि उस पर किसी की नज़र न पड़े। त्यार पछी आपणे आगळ वधीए अहीं निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए।
तो एम आवे छे ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं। तो मित्रों अपने जवाब जो है ढोंगी साधुओं के पास कभी कभी कुछ लोग विभिन्न विषयों पर तर्क करने के लिए आते हैं। वे साधुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करते हैं। ढोंगी साधु इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर से अनविघ्न होते हैं। उत्तर से अनविघ्न होते हैं। ऐसे अवसर पर ढोंगी साधुओं के समक्ष धर्म संकट पैदा हो जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए ढोंगी साधु मौन व्रत धारण करने का बहाना बना लेते हैं। यह युक्ति अपनाने से ढोंगी साधुओं से कोई भी व्यक्ति तर्क करने की हिम्मत नहीं करता। त्यार पछी आवे छे काश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं। तो एनो जवाब अपने जोईए अहीं कवि काश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यह यहाँ की सुंदर घाटियों अमरनाथ की राहों शेषनाग के क्षेत्र देवदारू के हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा फहरा रहा है। आज काश्मीर में अशांति व्याप्त है, हमें उसकी जी जान से रक्षा करनी है। दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि काश्मीर पर किसी तरह की आंच न आने पाए। त्यार पछी निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। एमा छे 28मु जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सवे खोवायो। तो मित्रों आनो अपने अहीं जवाब जोईए बराबर छे। तो एनो जवाब आ रीतनो थाशे मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी है। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यही है कि उन्होंने अपना सर्वस्त्र गवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। त्यार पछी मित्रों अथवानो छे जिसका गौरव फाल हिमालय। तो आपणे नो जवाब जोईए मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कि कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हिमालय संसार में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसे भारत का सिर कहा जाता है। इस तरह हिमालय भारत का गौरव है। तो मित्रों आ रीतनु आपणू हिंदीनु धोरण 10 हिंदी प्रश्नपत्र 2 विभाग बीनु सोल्यूशन हतुं। मित्रों चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब कर लेवी, कारण के आवुं परीक्षालक्षी सोल्यूशन छे के गाला समेटनु सोल्यूशन छे ए मुकतो रहीश, जेथी तमने बोर्डनी परीक्षा देवामां आ दरेक साहित्य उपयोगी थाय।